नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज एडुजेट। गांव वासियों के खातिर कुछ भी करने को तैयार दिखे युवा समाज सेवी सूर्यकांत। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के रस्सा ब्लॉक क्षेत्र के प्रधानपुर ग्रामरो के लिए रविवार का दिन खुशियों भरा रहा। गांव में विकास की गंगा व शिक्षा की सोच रखने वाले युवा समाज सेवी सूर्यकांत यादव ने अपने संस्थान नया सवेरा के तरफ से गाँव के लोगों को चार पहिया वाहन निःशुल्क समर्पित किया। इस मौके पर सूर्यकांत यादव ने कहा कि कोरोना काल में जब पूरा देश में लॉकडाउन था, तब प्रधानपुर गांव में एक बीमार व्यक्ति की मौत वाहन न मिलने की वजह से हो गई थी। तभी मैंने सोच लिया था कि गांव के मरीजों को किसी भी व्यक्ति को अस्पताल में ले जाने के लिए एक चार पहिया वाहन सुपुर्द किया जाए, ताकि वाहन के अभाव में किसी की मौत न हो। आज ईश्वर की कृपा एवं बुजुर्गों के आशीर्वाद से कार्य संभव हो सका। समाज ए टू जेड के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। उनकी उनकी पत्नी या पुत्र बधू जिसे कहते हैं, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। हमने भाग दौड़ कर रहे थे, गाड़ी की कहीं से व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, किसको अस्पताल भेजा जाए। तेज आवाज में अपना एक परिचय बताएं। मेरा नाम सूर्यकांत यादव है और मैं नवसवेरा सेवा संस्थान का प्रबंधक हूँ। आज यूपी के बलिया जनपद के आज रसरा ब्लॉक क्षेत्र के प्रधानपुर में सैकड़ों की तादाद में आज काफ़ी बुजुर्ग और काफ़ी जो है नौजवान भी देख रहे हैं। आज ऐसा देखने में आ रहा है कि आज गांव को जो है पहली बार जो है आपने जो है एक जो है निःशुल्क जो है सेवा के लिए जो एक मारुति ओमनी बैन दिए, किस संदेश से दिए हैं और क्या सोच है आपकी? मेरी सोच हमेशा लगातार रही है कि मेरे ग्राम सभा के अंदर जो भी समस्या हो उसके निराकरण के लिए हमेशा कार्य करूँ। और मैं लंबे समय से देख रहा था कि कोई व्यक्ति हमारे गाँव का बीमार पड़ता था या इमरजेंसी सेवाओं के लिए मेरे पास कोई सुविधा नहीं थी, तो इन सब समस्याओं को ख़त्म करने के लिए मैंने आज ग्राम सभा को एक गाड़ी समर्पित की है जो आम लोगों की सेवा में हमेशा हाजिर रहेगी। इस गांव में लॉकडाउन में भी एक मौत भी हुआ था, मौत के कारण जो आप काफ़ी जो है दुखित हुए थे और उसी के लेकर ऐसा कुछ आपने सोचा था, तो ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज गाँव वालों को जो है जो निःशुल्क सेवा आप समर्पित कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे और गाँव के लोगों को जो है समाज में आने के लिए? मैं चाहूँगा कि मैंने आज एक छोटी सी कोशिश की है और भी जो ग्राम सभा के लोग हैं, जो दूसरे गांव के भी लोग हैं, वो लोग भी एक ऐसी पहल करें और ऐसी गाड़ियां हर एक गाँव के अंदर होनी चाहिए, ताकि लोग जब भी बीमार पड़े तो उनको समय से हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके और उनकी मदद किया जा सके। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तेज आवाज़ में अपना एक परिचय दीजिए। मसूद आलम अंसारी। मसूद आलम जी, यहाँ पे देख रहे हैं तो काफ़ी जनता जो आपके पीछे जो खड़ी है और आज प्रधानपुर गांव में आए हैं, क्या मामला है पूरा? इस क्रांतिकारी धरती प्रधानपुर में आज जो जनता को आप देख रहे हैं, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ऐसा नौजवान जिसको जनता ने आगे बढ़ाने का काम किया है, और इस नौजवान ने जिसका नाम सूर्यकांत यादव है, इसने आज एक काम किया है कि जो गांव में कभी कभी ऐसी क्राइसिस हो जाती है गाड़ियों की, जहां पे मरीज हो या परीक्षा देने कोई हमारी बेटी बहन जा रही हो वहां नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे कार्यों के लिए इन्होंने गाड़ी समर्पित किया है इस गांव को। और हमने काफ़ी लंबे टाइम से हमने कुछ और कार्यक्रम भी हुए थे, शिक्षा के रूप में हुआ था, जो जनरल नॉलेज की पढ़ाई के लिए हुआ था, वहाँ में बच्चों को शिक्षा में 500 किताबें बांटी गई थी, तमाम चीज़ें इन्होंने किया हुआ है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस गांव की जनता ने जो प्यार और स्नेह दिया है इन्हें, आगे भी देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, निश्चित रूप से इनको देगी, आगे बढ़ाने का भी काम करेगी। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तेज आवाज़ में अपना एक परिचय बताएं सर। मैं डॉक्टर बबन राम, बथुरा पीज का रसना बलिया। आज सर जो है प्रधानपुर गाँव में है, कैसा कार्यक्रम है और कैसा भीड़ लगा हुआ है? आज इस गांव में आने का मेरा बड़ा सौभाग्य हुआ, क्योंकि इस गांव में जो कार्य हुआ वो लगता है कि जनपद में न बल्कि प्रदेश में जो है एक ऐसा कार्य हुआ कि गांव के लिए जो है यहां के जो समाजसेवी सूर्यकांत यादव जी हैं, इन्होंने एक वाहन को जो है सौंपा है जो ग्राम के जो जन समस्याओं और जो है अस्वस्थ लोगों के लिए जो ये कार्य करेगा। ऐसे में देखा जा रहा है तो काफ़ी तादाद में नौजवान जो है इनके जो भाषण को सुन रहे हैं और इनसे प्रेरणा ले रहे हैं, आने वाले दिनों में जो कि गाँव के विकास के प्रति समर्पित रहेंगे। इन्होंने अपने बयान में भी जो कहा कि हमें प्रधान तो नहीं बनना है, लेकिन प्रधान के प्रति ऐसा भी करना है ताकि आने वाला दिन जो है शिक्षा के प्रति गाँव जागरूक रहे, ताकि हम न भी रहें तो कम से कम ये तो कहें कि सूर्यकांत यादव तो जिसने शिक्षा का अलग जाए, तो शिक्षा के मायने से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? शिक्षा के बिना तो व्यक्ति जो है वह समझिए कि नर नहीं पशु के समान है। अगर शिक्षा की ज्योति अगर जलाते हैं इस गांव में, क्योंकि है तो शिक्षित हैं लोग, अशिक्षित भी हैं, इसके कारण जो यहां पर गरीबी है,
उसके उत्थान हेतु इन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया है। मैं चाहूँगा कि कुकिंग के साथ हर नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे सब जो लगे हुए हैं तो सभी मिल करके